नमस्ते दोस्तों, ओरेकल टॉक्स के एपिसोड 80 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस करेक्टर के बारे में जो काफ़ी टाइम से मार्वल फैंस के दिमाग में छाई हुई है। उस करेक्टर का नाम है कैप्टन मार्वल। आज हम इसकी ओरिजिन स्टोरी पर ध्यान देंगे। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में काफ़ी कैप्टन मार्वल हैं, पर अभी हम कैरल डेनवर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि अगले साल उसी के ऊपर बनी मूवी कैप्टन मार्वल आ रही है। कैरल डेनवर्स का जन्म हुआ था US के एक छोटे से शहर बोस्टन में। उसके परिवार में है डैडी जोसेफ डेनवर्स, मम्मी मैरी डेनवर्स और दो छोटे भाई जोई और स्टीवन। बचपन से ही कैरल को एस्ट्रोनॉट बनने का शौक था, इसी के चलते वह अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करती थी। लेकिन उसके पापा को लगता था कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती, साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने स्टीवन को ही कॉलेज पढ़ने भेजा। कैरल और जोई को अपने घर पर ही रहकर काम सीखना पड़ा। 18 साल की होती कैरल अपना घर छोड़कर भाग जाती है ताकि वो US एयरफोर्स ज्वाइन कर सके और मिलिट्री की तरफ से कॉलेज डिग्री हासिल कर सके। वह अपनी मेहनत से टॉप एयरफोर्स पायलट भी बन जाती है, पर एक मिशन के दौरान उसका फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है और वो दुश्मन सेना के हाथ लग जाती है। वो उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, पर होता उसका उल्टा ही है। कैरल उनके सीक्रेट चुराकर भाग जाती है। इसके बाद उसकी रैंक भी बढ़ जाती है और वो एयरफोर्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में अफसर बन जाती है। उसी डिपार्टमेंट में निक फ्यूरी और वुल्वरीन जैसे करेक्टर से मिलती है और उनकी हेल्प भी करती है। एयरफोर्स में काफ़ी फेमस होने के बाद कैरल को नासा से उनके सिक्योरिटी हेड बनने का ऑफर आता है और वो उसे बिना टाइम वेस्ट किए हाँ कर देती है। इसके बाद वो एयरफोर्स छोड़कर नासा चली जाती है इस उम्मीद में कि शायद उसका एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा हो जाए। नासा में काम करते हुए कैरल की मुलाकात डॉक्टर वॉल्कर्स लार्सन से होती है जो कि क्री टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। डॉक्टर वॉल्कर लार्सन खुद एक सीक्रेट क्री सोल्जर होते हैं। इनका नाम होता है कैप्टन मार्वेल और वो वहाँ पर अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। ऐसे ही चल रहा होता है कि एक दिन कोई एलियन नासा की टेक्नोलॉजी चुराने आता है और डॉक्टर वॉल्कर लार्सन को लोगों को बचाने के लिए अपने असली रूप में आना पड़ता है। कैरल डेनवर्स जो कि एक धमाके की वजह से एक मशीन पर जा गिरती है, उसे बचाने के लिए कैप्टन मार्वेल को जाना पड़ता है। यह मशीन थी द साइक मैग्नेट्रॉन। यह मशीन इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। कैरल को उस मशीन के रेडियस से बचाने के लिए कैप्टन मार्वेल को उसे उठाकर भागना पड़ता है। इसी दौरान कब कैप्टन मार्वेल की पावर कैरल में आ जाती है यह ना तो कैप्टन को पता चलता है और ना ही कैरल को। इसके बाद कैरल अपनी बॉडी में आए चेंजेस की वजह से बार बार बेहोश हो जाती है। इसी वजह से उसे नासा भी छोड़ना पड़ता है। फिर वह एक छोटे से वुमन मैगजीन में काम करने लग जाती है। वहीं उसे अपनी नई पावर्स का पता चलता है। उसके बाद वो मिस मार्वल बन जाती है। ओरिजिनल कैप्टन मार्वल के मर जाने के बाद कैरल ही मिस मार्वल से कैप्टन मार्वल बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।